नमस्कार। आजकल अब के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक के प्रारंभ में हम आपको बताते हैं, आज प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में प्रदेश सरकार की निःशुल्क दवा योजना लागू है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या दवा को ले जाने व समझने के प्रयासों की थी। इस समस्या के समाधान के लिए प्रारंभिक प्रयास जयपुर के राजकीय दीनदयाल चिकित्सालय घनकोरी बाजार ने किए। आइए देखते हैं। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की अब तक की मुख्य समस्या दवाई प्राप्त होने के बाद उसे अपने घर तक सुरक्षित ले जाने की थी। सरकार ने एक ओर जहां निशुल्क दवा योजना शुरू कर प्रदेश के आमजन को राहत देने का प्रयास किया, लेकिन मरीज को दवाई देने के बाद कौन सी दवाई कब देनी है और कैसे सुरक्षित घर तक ले जाना है का स्थायी समाधान नहीं हुआ। लेकिन इसी समस्या के स्थायी समाधान की पहल करते हुए राजकीय चिकित्सालय घनकोरी बाजार ने जो शुरुआत की, वह प्रदेश के अन्य सभी सरकारी अस्पतालों के लिए एक मार्ग का काम करेगी। आज न केवल यह अस्पताल अपितु प्रदेश के लगभग सभी अस्पताल अपने मरीजों को दवाई कागज के लिफाफे में देते हैं और लिफाफे के बाहर दवाई का पूरा विवरण और लेने की विधि लिखी होती है, ताकि मरीज परेशानी से बच सके। क्या कहते हैं इस योजना की पहल के बारे में अस्पताल के अधीक्षक? माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2011 में ये मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना स्टार्ट की थी और ये बहुत ही एक महत्वाकांक्षी योजना थी, जिससे कि राजस्थान और प्रदेश की जनता को बहुत लाभ मिला, बहुत फ़ायदा मिला। और उसके बाद में इस योजना ने अपना धीरे धीरे करके बढ़ती रही और आज ये रूप लिया है कि ऑलमोस्ट 900 के आसपास दवाइयाँ जो हैं यहाँ के मरीजों को मुफ्त में मिल रही हैं। लेकिन एक जो परेशानी हमें आई कि पेशेंट जब दवाई लेता था तो किसी पेशेंट के पास में उसको रखने की जगह नहीं होती थी, कई पेशेंट दवाइयाँ बिखरती थी। तो हमने एक लगाया कि जैसे प्राइवेट के अंदर ये लोग लिफाफे में देते हैं तो हम भी वो उसको दे सकते हैं। जब सरकार इतनी महंगी दवाइयाँ उनको दे रही है तो एक बहुत नॉमिनल रेट का लिफाफा हम दे सकते हैं। तो हमने ये प्लान किया, फिर हमने धीरे धीरे इसको एक्सप्लोर किया। उसके बाद करने के बाद में हम इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हमने हर एक मरीज को उसको प्रिंट करवाया और उसके पीछे हमने जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है, जैसे निरोगी राजस्थान योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, तो इन सब का प्रचार प्रसार का भी तरीका एक हमें इस तरह से मिला। तो कहने का मतलब ये है कि पेशेंट को भी इससे बेनिफिट है। पेशेंट्स को इसमें हमें दो तरह के रखे, एक तो 7 दिन की दवाइयों का रखा छोटा लिफाफा और एक हमने रखा 1 महीने की दवाइयों का बड़ा लिफाफा। तो पेशेंट बहुत ही अच्छे से और बहुत खुशी खुशी इसमें लेके जाता है और पेशेंट्स का नाम जो है उसके लिफाफे के ऊपर लिखा जाता है और इसके पीछे सारा जो राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजना है उनके बारे में भी लिखा हुआ है। जैसे दवाई ख़त्म होती है पेशेंट अपने आप उनको उनके जो टैबलेट्स के बाद में जो रैपर खाली होते हैं वो भी इसी में डाल कर रखता है वो, तो ऐसा जिसको डिस्पोज ऑफ करने में भी उनको परेशानी नहीं होती है। हमने एक पेशेंट सेटिस्फेक्शन रजिस्टर बना रखा है हमारे हॉस्पिटल में। उस रजिस्टर के अंदर हम लोग पेशेंट से फीडबैक लेते हैं कि जो आपको दवाइयाँ मिली वो टाइम से मिली, कंप्लीट मिली, ज़्यादा समय तो नहीं लगा, डॉक्टर्स ने अच्छे से देखा, या जितनी दवाइयाँ लिखी डॉक्टर ने उतनी सारी दवाइयाँ मिली, या किसी दवाई के लिए आपको बाहर तो नहीं जाना पड़ा। तो ये सारे के सारे कॉलम वाइज हमने लिख रखा है, तो उसमें पेशेंट्स के लिए हम व्यूज़ लेते हैं और पेशेंट का मोबाइल नंबर लेते हैं और उसका ओपिनियन जो होते हैं टुवर्ड हमारा जो सर्विस हम पेशेंट्स को दे रहे हैं उसको ग्रेडिंग करने के लिए हम उसे करवाते हैं। इस अस्पताल द्वारा 3 दिन, 7 दिन, 15 दिन और 1 महीने की दवाई के हिसाब से लिफाफे तैयार करवाए गए। इन लिफाफों पर सरकार की निःशुल्क दवा वितरण योजना को भी अंकित किया गया। क्या कहते हैं अस्पताल से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता और कर्मचारी? जिस पेशेंट को 7 दिन की दवा मिलती है उसके लिए 7 दिन में डाल के देते हैं, जिस पेशेंट को 1 महीने की दवा मिलती है उसको 1 महीने के लिफाफे में डाल के देते हैं, उसमें नाम पता मतलब उसका मोबाइल नंबर। कई पति पत्नी कई एक दूसरे के लोग यहाँ पर लेने आते हैं तो वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, उससे बचने के लिए हमने ये अलग अलग नाम के लिफाफे भी उनको दिए हैं। और इस बारे में हमारे यहाँ पर जो MNDY के अंदर निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही है उसमें पेशेंट अत्यधिक उत्साह और बहुत खुश हैं। एक्चुअली दवाई देने का ये है सिस्टम कि लिफाफे में पहले पेशेंट को पूरी काउंसलिंग की जाती है, पूरी दवाई समझाई जाती है, से एक बार है, दो बार है या 3 बार है, फिर उसके बाद इसमें पैक करके उनको इजीली ताकि वो ले जा सकें। दवाई कई बार क्या पेशेंट के नीचे गिर जाती थी, ये सब है, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसको सॉर्ट आउट करने के लिए लिफाफे 2 तरह के बनाए गए हैं। जैसे यदि 3 डेज़ की है या 5 डेज़ की है तो आपको छोटे लिफाफे में अवेलेबल हो जाएंगे,
और यदि आपकी महीने भर की दवाई है तो आपको बड़े लिफाफे में अवेलेबल जाएंगे। सर, हमने क्राउड मैनेजमेंट को सिस्टम को सही करने के लिए अप्रैल से एक नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें हम हमारे हॉस्पिटल में UPT पॉजिटिव आए हुए पेशेंटों को ऑनलाइन व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और उनको डे फिक्स करते हैं कि आपको इस दिन आना है और इस दिन आकर के ANC कार्ड बनवाना है। जब वो मरीज़ आता है तो उसके लिए अलग ट्रैक बनाया हुआ है, उस ट्रैक से वो अलग से दिखा के चला जाता है ताकि उस लाइन से बच सके। उसके लिए हम बीच बीच में माइक सिस्टम से अनाउंस करते हैं कि अपना व्हाट्सएप नंबर दे के जाएँ ताकि आपको अगली बार आने पर भीड़ से बचा जा सके। इस व्यवस्था से लगभग पहले 20 से चालू हुई थी और बढ़ते बढ़ते 300 और 400 के आसपास पहुंच गई है ये व्यवस्था, और धीरे धीरे ये व्यवस्था सफल होने के लिए के कगार पर जा रही है, इसलिए हम इसकी सराहना करते हैं। और एक नई और व्यवस्था चालू करते हैं जिसमें कि ANC फाइल, उस पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए ANC फाइल देने जा रहे हैं। इस व्यवस्था को भी ट्रायल के तौर पर रखा जा रहा है। यहाँ का पब्लिक को इतना आराम है आसपास के इलाकों को, और बहुत सहूलत आदमी महसूस करता है। सिटी में एक ऐसा हॉस्पिटल बनना बहुत ज़रूरी था, और ये सरकार के जो प्रयास हैं वो इतने अच्छे हैं, और इसके लिए जो कुछ भी कर रही है सरकार बहुत अच्छा है। दवाइयाँ फ्री, इलाज फ्री, कोई पाइप ऐसा चार्ज नहीं लगता है। और मेन बात ये हो गया कि यहाँ से और हॉस्पिटलों में जाना दूरी थी, तो यहाँ का इतना अच्छा स्टाफ, व्यवस्था अच्छी है और पब्लिक को बहुत आराम है। इस अस्पताल द्वारा मरीजों को लिफाफों में दवाई दी जाने की शुरुआत अन्य सरकारी अस्पतालों के लिए भी एक पहल हो गई। इस व्यवस्था में डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई लेने के लिए पर्ची खिड़की पर दे दी जाती है, और अपनी बारी आने पर आवाज़ देकर मरीज को बुलाकर दवाई दी जाती है। इससे अनावश्यक भीड़ से तो बचाव होता ही है, साथ ही प्रॉपर तरीके से मरीज को दवाई समझने का मौका मिलता है। इस तरह की प्रक्रिया वाकई में स्वागत योग्य है। यदि प्रदेश में किसी सरकारी अस्पताल में यह लागू नहीं हुई है तो अब भी इसे त्वरित गति से लागू करना चाहिए।